हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई माइनस 24। तो यहाँ पे हमें b की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जा सके, एंड b की वो वैल्यू इन गिवन ऑप्शंस में से ही होनी चाहिए, या तो वो 14 हो या फिर 11 हो या 5 हो या फिर 25 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो इसकी ये थर्ड टर्म है 24, इसको इस तरह के दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिससे कि उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, माइनस 24 के इक्वल आए, ठीक है ना। कितना आना चाहिए, वो माइनस 24 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस थर्ड टर्म के 24 के हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2, ये 12, ठीक है, ये 6, ये 3, एंड यहाँ पे ये 3, 1 जा 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं मेरे पास क्या आ गए हैं, वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ से इन तीन का पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 2 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का और 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस 24। इन दोनों का कर लेते हैं क्या, एडिशन, 8 का और माइनस 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ये होगा सी करेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए होते तो यहाँ से बहुत सारे इसके बी की वैल्यू बन सकती थी। कौन कौन सी बन सकती थी, देखो यहाँ पे आ सकती थी 2 2 4 और ये 6, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस 24। तो मैं यहाँ से ये ले सकता था 4 × −6 ले सकता था बिल्कुल, ठीक है। और इसको सम करता मैं इसका, फैक्टर्स का, ये फैक्टर लिया मैंने 4 और 6, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस का हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6, तो ये आ जाता -2। तो -2 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। और भी हो सकते थे यहाँ से, जैसे मैं इसको बना लेता, देखो किसको बना लेता, यहाँ से ये बना लेता मैं 3 2 6 2 12 12 और 2 का बना लेता, किसका, 12 का और 2 का, ठीक है। तो ये कर लेता मैं 12 × −2, कितना आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म के, तो ये -24 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता, इन दोनों फैक्टर्स का प्लस कर लेता, ठीक है ना, सम कर लेता इनका, तो यहाँ से कितना आ जाता, प्लस माइनस माइनस 2, तो ये रह जाता 10। तो इसकी जगह हम 10 रखते तो भी ठीक हो जाता, बट हमें ऑप्शन से चाहिए था इसलिए हमने ये किया। इसके और भी फैक्टर्स हम कर सकते।